हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रीगल लाइफ। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी एक रेसिपी शेयर करूंगी। आज जो मैं बनाने वाली हूं दोस्तों, वो है वेज स्वीट कॉर्न सूप। स्वीट कॉर्न को अमेरिकन कॉर्न्स भी बोलते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो दोस्तों, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो आप एज डिनर और ब्रेकफास्ट ये सूप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये, और ये जो है ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वेज स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए कुछ सब्जियां हमें चाहिए होंगी। तो जो सब्जी मैंने लिए है यहाँ पे, आपको मैं बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया है पत्ता गोभी, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है ऑलरेडी। सूप में जो है बहुत ही फाइनली चॉप सब्जियां हमें डालने हैं। और मैंने लिया है ब्रोकली, इसको भी मैंने एकदम छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है दोस्तों। इसके अलावा मैंने लिया है बीन्स, ये जो है ग्रीन वेजिटेबल्स का ही मैं ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली हूँ इस रेसिपी में। और मैंने लिया है लहसुन, तो 10 से 15 लहसुन जो है इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और मैंने लिया है दोस्तों हरे मटर। अगर आप दोस्तों फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इसको 10 मिनट्स के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दें। और मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने एकदम ही फाइनली चॉप कर लिया है। और मैंने लिया है दोस्तों कैप्सिकम, कैप्सिकम को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और मैंने लिया है गाजर, इसको भी मैंने एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो दोस्तों, ये सारी सब्जियों के साथ जो ऑब्वियस चीज़ है इस रेसिपी में, वो है स्वीट कॉर्न। तो ऑब्वियसली मैंने स्वीट कॉर्न तो लिया ही है। तो स्वीट कॉर्न की जो क्वांटिटी है दोस्तों, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल किया है। इसमें से कोई वेजिटेबल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो वो स्किप करके भी आप ये सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। तो जो स्वीट कॉर्न है दोस्तों, उसका हाफ स्वीट कॉर्न मैं अभी मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूंगी और इसको एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। स्वीट कॉर्न को बिना ग्राइंड किए भी दोस्तों आप स्वीट कॉर्न सूप बना सकते हैं। बट अगर आप इसको थोड़ा सा मिक्सर में ग्राइंड करके ऐसे स्मूथ पेस्ट बना के इसका सूप बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनता है। स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया है और मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून बटर। और मैंने हीट जो है एकदम ही लो में रखा है। बटर को जो है पिघलने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन। लहसुन को मैंने ऑलरेडी फाइनली चॉप करके रखा है और बटर भी पिघल चुका है, तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और लहसुन और बटर का जो ये फ्लेवर है ना, इस सूप में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। बट लहसुन को जो है हमें फ्राई नहीं करना है बहुत ज़्यादा, इसको एकदम ही लो हीट में धीरे धीरे ऐसे थोड़ा सा सॉटे करना है बटर के अंदर। तो इसका जो फ्लेवर है ना दोस्तों, इस सूप में एक अलग ही टेस्ट ऐड करता है। एक मिनट तक बटर और लहसुन को सॉटे करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। प्याज को भी हमें दोस्तों बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है, इसको भी हमें एकदम ही स्लो कुक करना है। सिर्फ एक मिनट तक प्याज, बटर और गार्लिक को हम ऐसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, ताकि प्याज जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो ये जो मेरा कंटेनर है ना, ये 5 लीटर का कंटेनर है और इसमें मैं सूप बनाने वाली हूँ 1 लीटर का। तो यहाँ पे मैं जो प्याज और लहसुन है, इसको एक मिनट के लिए ऑलरेडी सॉटे कर लिया। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, इसका कच्चापन चला गया है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 2 लीटर पानी। तो 2 लीटर पानी से हमें बनाना है 1 लीटर का सूप। तो बाकी जो सब्जियाँ हैं, ये जब पानी उबल जाएगा, उसके बाद मैं 1 बाय 1 इसमें ऐड करती जाऊँगी। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे बनाना है 1 लीटर का सूप, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। सो फ्रेंड्स, आप जितनी क्वांटिटी में सूप बनाना चाहें ना, उसका डबल पानी का इस्तेमाल कीजिएगा आप सूप बनाने के लिए। तो स्टार्टिंग में आपको डबल पानी ही ऐड करना है। जैसे कि अगर आपको आधा लीटर सूप बनाना है, इसलिए आपको लेना पड़ेगा 1 लीटर पानी। मेरे घर में लोग ज़्यादा है, इसलिए मैं 1 लीटर का सूप बना रही हूँ। 1 लीटर सूप जो है 6 से 7 लोगों के लिए इनफ है। तो दोस्तों, पानी जो है अभी उबल चुका है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो स्वीट कॉर्न मैंने ग्राइंड करके रखे थे वो। ये स्वीट कॉर्न पेस्ट के वजह से ही ना दोस्तों, ये जो स्वीट कॉर्न सूप है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। अभी हम फ्लेम जो है थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ सके। एक करछी की मदद से दोस्तों, स्वीट कॉर्न का जो पेस्ट है, उसको अच्छे से हम सूप के अंदर मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि स्वीट कॉर्न सूप जो है, इसके ऊपर ऑलरेडी झाग आने लगा है, फोम आने लगा है। तो हम एक चम्मच की मदद से ना, ये फोम जो है निकाल देंगे। जितना ज़्यादा हम इसको निकाल देंगे ना स्वीट कॉर्न सूप, उतना ज़्यादा जो है क्लियर बनेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा होगा।
तो आप सोच रहे होंगे कि ये झाग किस चीज़ का है। तो अभी जो मैंने स्वीट कॉर्न का प्यूरी बना के इसमें ऐड किया है ना, इसी की वजह से ये जो झाग ये आ रहा है। और ये जो अपना सूप है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो पानी मैंने ऐड किया था ये थोड़ा सा ऑलरेडी गाढ़ा हो चुका है। सूप को गाढ़ा बनाने के लिए कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल होता है। तो हमने भी इस सूप में कॉर्न प्यूरी का इस्तेमाल किया है जिसमें भी कॉर्न स्टार्च है, तो इस वजह से सूप जो है ऑलरेडी गाढ़ा बनने लगा है। दोस्तों आप रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स में जो सूप पीते हैं ना, तो उसमें जो है कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल किया जाता है सूप को गाढ़ा बनाने के लिए। बट मैं इस सूप में बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि इस सूप को मुझे टेस्टी के साथ हेल्दी भी बनानी है। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने सूप को 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से उबाल लिया है, अच्छे से बॉयल कर लिया है इसको। तो अभी बारी है दोस्तों सब्जियाँ ऐड करने की। तो दोस्तों आप अपने मनपसंद सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगी गाजर। गाजर को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है दूसरी सब्जियों के मुकाबले, इसलिए मैं पहले गाजर ऐड कर रही हूँ। अभी दोस्तों हम हीट को जो है बढ़ा देंगे, हाई कर देंगे हीट को, ताकि सब्जियाँ जो है अच्छे से कुक हो सके सूप के अंदर और सूप में भी बहुत अच्छे से उबाल आ सके। तो हरी सब्जियाँ जो मैंने ली है उसको दोस्तों मैं सबसे लास्ट में ऐड करूँगी, क्योंकि गाजर जो है इसको पकने में तो टाइम लगता ही है, और जो हरी सब्जियाँ है ना वो अगर सूप के अंदर मैं पहले डाल दूँगी तो उसका जो कलर है वो चला जाता है, हीट से जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है उसका कलर फेड हो जाता है, तो इसलिए मैं हरी सब्जियाँ बाद में डालूँगी। तो गाजर को मैंने ऑलरेडी 2 मिनट तक सूप के अंदर कुक कर लिया है। अभी इसमें मैं ऐड कर दूँगी ब्रोकली। ब्रोकली जो है दोस्तों वन ऑफ़ दी हेल्थीएस्ट वेजिटेबल है, ये बहुत ही ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स एनरिच्ड होता है। तो अगर आपको ब्रोकली नहीं मिलता है तो आपको स्किप करना है इसको, बट अगर मिल जाए तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें ऐड कर दूंगी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी जो इसको मैंने एकदम ही फाइनली चॉप कर लिया है ताकि ये सूप के अंदर जो है अच्छे से मिक्सअप हो सके। ब्रोकली और पत्ता गोभी को 2 मिनट तक हाई फ्लेम में हम सूप के अंदर पकाएंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी मटर। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, अगर आप फ्रोज़न पीस मतलब कि जो प्रिजर्व्ड मटर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको कुकिंग करने से पहले 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रखें, उसके बाद आप यूज़ कीजिए। मटर के बाद इसमें अभी बारी है स्वीट कॉर्न ऐड करने का। तो जो स्वीट कॉर्न आधा मैंने बचा के रखा था उसको मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगी। स्वीट कॉर्न और मटर को सारी सब्जियों के साथ हम अच्छे से 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाएंगे, और उसके बाद लास्टली एकदम ही लास्ट में हम इसमें बीन्स ऐड करेंगे। तो बीन्स जो है ये बहुत ही सॉफ्ट सब्जी होता है और बहुत जल्दी पक भी जाता है, इसलिए मैं बीन्स जो है एकदम लास्ट में ऐड कर दूंगी। तो सब्जियों के साथ जो है मैंने बीन्स ऑलरेडी ऐड कर दिया है दोस्तों, और ये जो सूप है इसको हम और 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि सब्जियाँ जो है ऑलरेडी हाफ कुक्ड हो चुकी हैं। तो ये सूप जो है मैंने 1 लीटर का बनाना है, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने 1 लीटर का ही सूप बनाना है। 6 to 7 पर्सन के लिए 1 लीटर का ही सूप इनफ होता है, और ये जो सूप है ऑलरेडी उबल रहा है और इसकी क्वांटिटी जो है 2 लीटर से काफ़ी कम हो गया है। अभी 1 लीटर सूप में मैं 2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। मेरे टेस्ट के हिसाब से 1 लीटर सूप के लिए 2 टीस्पून नमक जो है वो इनफ होता है, तो इसलिए मैंने 2 टीस्पून नमक ही इसमें ऐड किया है दोस्तों। और टेस्ट एडजस्ट करने के लिए 1 टीस्पून चीनी ऐड किया है। सो वेज स्वीट कॉर्न सूप जो है ये ऑलमोस्ट बनके रेडी हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। जैसे कि आपको मैंने बताया था दोस्तों कि मैं इसमें बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में कॉर्नफ्लोर ऐड करने वाली हूँ, तो इसको मैंने थोड़ा सा लिवकम वाटर से ऐसे घोल बना लिया है, और उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर मतलब कि ब्लैक पेपर पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ब्लैक पेपर का जो क्वांटिटी है दोस्तों ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो सूप है ये बच्चे भी पीने वाले हैं, तो इस वजह से ना मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक पेपर इसमें ऐड नहीं किया है। तो अभी हम लो फ्लेम कर देंगे, और ये ब्लैक पेपर और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है इसको हम सूप में ऐसे धीरे धीरे करके ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद दोस्तों एक उबाल आते ही हमको हीट जो है वो बंद कर देना है, इसको ज़्यादा उबालना बिल्कुल नहीं है, और सूप को जो है हमें बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है। बहुत गाढ़ा सूप जो है वो पीने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसका जो टेक्सचर और टेस्ट है वो एकदम जेली जैसा अगर बन जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो है एक उबाल आ गया है, मैं अभी फ्लेम बंद कर दूँगी। तो दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने 2 लीटर पानी ऐड किया था, जो अभी बन चुका है 1 लीटर का सूप।
तो अभी जो है इस सूप की टेस्ट को डबल करने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून बटर। बटर ऐड करने से ना दोस्तों लिटरली इस सूप का जो टेस्ट है डबल हो जाता है। बटर का फ्लेवर और टेस्ट जो है इस सूप में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब भी आप स्वीट कॉर्न सूप बनाते हैं दोस्तों बटर ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, ये रेडी है हमारा विद स्वीट कॉर्न सूप, जो कि मैंने ऑलरेडी एक सर्विंग बोल में निकाल लिया है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी भी होता है। आप प्लीज़ इसको घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट पे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और ऑलरेडी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सो फॉर नाउ, बाय बाय।